योर मानमोहन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बठिंडियन बॉय। आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और थंबनेल देख लिया, टाइटल भी पढ़ लिया तो पता चल ही गया कि आज का जो वीडियो किस पे आधारित है। तो शुरू करता हूँ। आज का जो कंपैरिजन है बिटवीन क्यू एंड क्यू वॉच एंड वर्सेस विद सोनाटा वॉच के साथ का आज का जो है कंपैरिजन, तो सबसे पहले मैं क्यू एंड क्यू वॉच से स्टार्ट करता हूँ, जो कि एक जापानी ही ब्रांड है। और इस वॉच की जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ी है 1475, नियर अबाउट कह सकते हैं कि 1500 की। और अब मैं दिखाता हूँ ये वॉच आपको, कुछ इस तरह से दिखती है ये वॉच। और अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं, और अगर इसके मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं, अगर इसके मैं फीचर्स की बात करूं, अगर इसमें ब्रांड की बात करूं, तो ये ब्रांड इस प्राइसिंग में A1 है, विद द बेस्ट क्वालिटी, विद बेस्ट फीचर्स। और यू नो, आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना, आई मीन इस घड़ी को इतना ज़्यादा यू नो इन्हेंस कर रहा है, इतना ज़्यादा इसको मतलब उठ के आ रहा है ये एकदम से। आपको आपको स्क्रीन पे लग रहा होगा, देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे इसका जो रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है कितना उठ रहा है। तो क्लाइम में पहनने के बाद तो यू नो रियल में, आई मीन ये तो चलो कैमरे को इतना शायद आई थिंक मुझे जस्टिफाई कर भी होगा या नहीं होगा, लेकिन सीसी कह रहा हूँ कि भाई साहब अगर आप इसको रियल में देखोगे और पहनोगे आई थिंक इट्स ऑसम। मे बी शायद आप लोगों के पास किसी के पास हो भी ये वॉच। और अगर मैं प्रॉपर अगर इसके इनसाइड फीचर्स की बात करूँ तो इसमें और जो अपनी दूसरी मेरी वॉच है सोनाटा की, उसमें क्या डिफरेंस है, चलो मैं पहले सबसे इसके फीचर्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे सबसे बेस्ट क्या लगा था कि इसमें है जो कि वो जो डायल्स हैं वो नहीं है इसमें, ये सीधा एक डिजिटल वॉच है आप जैसे देख सकते हैं। और इसका जो ये पूरा जो डाया है अंदर का जो स्क्रीनिंग है वो काफ़ी वाइड है, इसमें आपको प्रॉपर डिजिटल वे में मतलब कि सारा कुछ डिजिटल है, तो सब कुछ आपको इसमें टाइमिंग डेट मंथ डे सेकेंड्स एवरीथिंग आपको इसमें प्रॉपर शो हो रहा है। देखिए पूरी तरह से शो हो रहा है इसमें आपको, इसमें कहीं डायल आपको शो नहीं हो रहा कि इसमें विदाउट डायल है, और ये एक डिजिटल वॉच है तो एक दी बेस्ट वॉच है। और ये सारे जो भी फंक्शंस हैं यहाँ से आपका आई थिंक आपको किस साइड दिख रहा होगा मुझे आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से आपका टाइमिंग सेट होता है, यहाँ से डे और मंथ जो भी है वो होता है, यहाँ से भी आपके सेकेंड्स वगैरह टाइमिंग स्टार्ट होते हैं, यहाँ से आपको लाइट का ऑप्शन मिला है। ये देखिए आपको शायद दिख रहा होगा, मे बी देखिए एक मिनट इसमें शो हो रहा होगा आपको, तो ये लाइट का ऑप्शन है इसमें। और मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अगर मैं क्वालिटी की बात करूं और स्ट्रिप की जो डिजाइनिंग की बात करूं, दी बेस्ट है, क्वालिटी बेस्ट है, स्ट्रिप का डिजाइनिंग बेस्ट है, जो फ्रंट का जो डायल है वो भी बेस्ट है, ज्यादा बिगर नहीं है, ज़्यादा स्मॉल नहीं है, एवरेज है, मिडिल में है। और क्योंकि ये डिजिटल है मुझे बहुत पसंद है, और क्यू एंड क्यू की ब्रांड है तो वो भी नो डाउट की क्यू एंड क्यू तो वैसे ही सभी को पता है, एक माना जाना ब्रांड है ये वॉचेस में। और स्पेशली मुझे इसमें जो बड़ी चीज़ लगी वो थी कि इसका जो रेड एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे दी बेस्ट लगा, और इसमें डायल नहीं है, ये टोटली डिजिटल है, तो वो भी मुझे ऐसी घड़ी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास जो घड़ियाँ हैं वो डिजिटल प्लस डायल के साथ होती है, लेकिन ये टोटली डिजिटल है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, दी बेस्ट लगी। और इसको तो भाई मैं 10/10 दूंगा, और इस प्राइसिंग में आई थिंक दी बेस्ट घड़ी है ये। और अब बात करता हूँ मैं अपनी सोनाटा की, इसे एक्सट्रीम गियर वॉच कहते हैं। आप जैसे कोई राइडर है तो चाहे कोई किसी तरह का भी राइडर हो, साइकिल राइडर हो या बाइक राइडर हो, तो वो स्पेशली उस कैटेगरी में आती है ये वॉच। और इसका मेरा प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, इसका मैंने एक अनबॉक्सिंग की थी। तो अगर मैं इस घड़ी की बात करूं, कलर वाइज क्वालिटी वाइज दी बेस्ट है, कोई इशू नहीं है, आप स्ट्रिप भी देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, इसके डिज़ाइन देख सकते हैं प्रॉपरली, ये विद डायल है, डिजिटल प्लस डायल है, इसमें आपको मंथ डे टाइमिंग सेकंड सब कुछ मिलेगा, सेम वही जो यहाँ पे जिसमें जैसे कि ऑप्शन मैंने आपको बताया था सेम ऑप्शन इसमें भी सेम ही है। और अगर मैं दोनों की कंपैरिजन में बात करूं तो प्राइसिंग में साइट में थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा जैसे कि सोनाटा का थोड़ा सा इसका ये डायल है ये थोड़ा सा बड़ा है इससे। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग में इसमें नियर अबाउट 600 का डिफरेंट है,
ये आपको समझ लो कि ये 1475 समझ लो, 1500 समझ लो आप, तो ये है 2100 रुपये की, और आई मीन 2080 रुपये की, तो मतलब वही 20 रुपये का डिफरेंस आ गया, वही चीज़ है इसमें। तो और अगर मैं बात करूँ इन दोनों के परफॉर्मेंस की, तो दोनों के परफॉर्मेंस में देखिए डिफरेंस कुछ ज़्यादा माइनर सा है, क्योंकि एक्चुअली ये डायल का है प्लस डिजिटल है, ये टोटली डिजिटल है। और अगर मैं क्वालिटी के वाइज करूँ तो क्वालिटी में दोनों ही अपर हैं, और अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ वो भी दोनों अपर हैं। अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो कलर में भी देखिए यहाँ पे आपको ये येलो ग्रे विद ब्लू, ये अलग से एक इनहेंस निकल के आता है, ये रेड एंड ब्लैक का इनहेंस अलग से निकल के आता है। तो ये टोटली अपने अपनी कैटेगरी में ये दी बेस्ट घड़ी है। प्राइसिंग में नियर अबाउट 600 का डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, अगर अगर मैं इसमें आप कहूँ कि फीचर्स वाइज और डिजाइनिंग वाइज और स्टाइल वाइज, तो दोनों ही दी बेस्ट हैं। और कुछ इस तरह का इसका बॉक्स होगा, के एंड क्यू का, और स्टीम का आपने देख लिया है, इस तरह का कुछ इसका वो है। और मेरे ख्याल से अगर आप एक्चुअली क्या है कि आज के टाइम पे जो वॉचेज हैं वो जस्ट फॉर एक तो फैशन स्टंट रह चुका है माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि टाइमिंग अभी सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो सभी आजकल स्मार्टफोन्स में टाइमिंग देख लेते हैं, मे बी शायद ही कोई हो। हाँ जैसे कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, जब मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, देन आई थिंक मैं ट्राई करता हूँ देखने की, मैं देख लेता हूँ नॉर्मली क्या है, अदरवाइज कार में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें भी आपको आपके डिस्प्ले में मीडियन में आपको टाइमिंग शो होता है, और वैसे भी छोटी बड़ी गाड़ी तो हर को रखते ही गाड़ी में। लेकिन हाँ बाइक राइडिंग के वक्त मुझे कभी कभार मुझे देखना पड़ जाता है, तो उसके लिए बेटर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको एज ए पर्सनली यूज करता हूँ जस्ट फॉर अ स्टाइल, नॉट फॉर वॉचिंग द टाइम एंड लाइक ऑल दैट। और एक स्टाइल हो जाता है, ठीक है, मैं ड्रेसिंग अपने के साथ कोड के हिसाब से मैं अलग अलग वॉच अपने ट्राई करता हूँ, मेरे पास टाइटन की भी है, मेरे पास सोनाटा की है, ये क्यू एन क्यू है, फास्ट टैक्स की है, फास्ट टैक्स के दो तीन मॉडल्स हैं मेरे पास। तो ये जस्ट एक आई थिंक स्टाइल स्टंट रह चुका है अभी, कोई भी चीज़ें हैं वो स्पेशली वॉच, क्योंकि जब से स्मार्टफोन आया, आई थिंक मैं आपको इसी बता रहा हूँ, जब से स्मार्टफोन का क्रेज है हुआ है लाइफ में, काफ़ी टाइम से हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि मैंने लास्ट टाइम अपना लैपटॉप कब यूज़ किया था, अपना लास्ट टाइम मैंने अपने मेरे पास लैपटॉप पीसी दोनों है, और कब लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था मुझे खुद को याद नहीं, और दोनों का बुरा हाल है, दोनों आई थिंक डेड हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि स्मार्टफोन से आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जाती है, आपको लाइफ आसान हो चुकी है आपकी इससे। कुछ नुकसान भी होते हैं लेकिन कुछ फायदे भी होते हैं, अगर आप इसको सही ढंग से लेंगे तो फायदे में ही रहेंगे, अगर इसको आप गलत तरीके से लेंगे तो नुकसान हो गया होगा। तो चलो वो तो एक पार्ट था अलग सा, वो मैं स्मार्टफोन की तरफ कहाँ चला गया, लेकिन अगर मैं वॉच की बात करूँ तो ठीक है भाई, दी बेस्ट वॉच है, दोनों में कंपेरिजन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं सीरियसली बताऊँ। हेल्दी में पर्सनली मैं इसका ऑनर हूँ इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन देखिए जो भी मैंने रिव्यू की है, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ कि यार मुझे ये बेस्ट लगा है, ये बेस्ट लगा है, क्योंकि देखिए मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मेरा उससे एक प्रीवियस वीडियो था, फास्ट ट्रैक के सनग्लासेस वर्सेस वॉच था, तो उसमें मैंने आप क्लियर कर दिया था कि मुझे यहाँ पे ये कमी लगी है। इसके बाद मेरी एक और प्रीवियस वीडियो आई थी इसके वीडियो के बाद की थी, अपना सनग्लासेस की रेबन वर्सेस फास्ट ट्रैक, तो देखो उस पर भी मैंने दोनों पे मैंने बताया कि मुझे रेबन की बेटर लगी या फास्ट ट्रैक की बेटर लगी, तो ये दोनों में जो बेटर लग रही हैं, तो मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन दोनों में से नुक्स क्या निकालूं, या मैं इसमें से क्या सोचूं कि यार मुझे ये कमी लग रही है, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह में दी बेस्ट है, और दोनों ही एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं, डिजिटल टोटली है ये, डिजिटल प्लस डायल है, लेकिन दोनों ही बेस्ट है। आई थिंक मुझे लगता है कि आज के टाइम में मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं जो मेरे पास टाइटन की वॉच है वो जो चेन वाली होती है ना जैसे वो है, वो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ ऑन किसी ओकेजन पे या किसी पार्टी वेयर में, वो रेगुलर बेसिस में नहीं पहनी जाती। तो अगर मैं रेगुलर बेसिस की बात करूँ, स्पोर्टी लुक में बात करूँ, और कुछ नॉर्मल कहीं मूवी पार्टी वगैरह फ्रेंड्स के साथ, तो आई थिंक ये वॉचेस दी बेस्ट हैं, कंफर्ट के लेवल पर भी, स्टाइल के लेवल पर भी, और ये इनहेंस करती हैं आपके स्टाइल को, आपके हर चीज़ को, आई मीन जो भी आप वेयर करते हैं उस चीज़ में आपको आई थिंक ये परफेक्ट बैठता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे अपने हर एक चीज़ में ये मुझे परफेक्ट लगता है। सो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ पता ही आपको करना है क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। यार आप लोग रिनोल्ट के सभी वीडियोस पे लाइक शेयर कमेंट करते हैं, मेरे अदर वीडियोस पे भी आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए यार। मुझे देखिए, मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि मेरा जो चैनल है वो मल्टी चैनल है, मैं वो किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे नहीं रहने वाला हूँ। मैं इसमें हर एक कंटेंट ट्राई करूंगा, इसमें आपको ट्रैवलिंग मिलेगा, इसको इसमें आपको अपना कार रिव्यूज मिलेंगे, बाइक रिव्यूज, चाहे वो मेरी बाइक हो मॉडिफाइड मॉडिफाइड MHD स्प्लेंडर एंड ऑन माई क्विड मॉडिफाइड क्विड एंड ऑन एवरी जिस तरह मैं रिव्यू करता हूँ, मे बी शायद मेरे आने वाले कुछ फ्यूचर्स प्लान्स हैं ट्रैवलिंग के, मे बी उसमें वो वीडियोस भी, वो ऑफ कोर्स वो मैं शूट आउट करूंगा, वो भी मैं कुछ ट्रैवलिंग वीडियोस मैं अपलोड करूंगा एंड कुछ और प्लान्स हैं, मे बी एंटरटेनमेंट में, मे बी मैं जाऊं उसमें भी मैं ट्राई करूं। तो देखिए, मेरा जो मकसद रहा है हमेशा से कि मेरे चैनल पे लोगों को सब कुछ का मसाला, सब कुछ तरह का मसाला मिले उनको, ये ना हो कि यार अरमान सिर्फ क्विड पे वीडियोस बना रहा है या वो अपने स्प्लेंडर पे वीडियोस बना रहा है और कोई वीडियो बना नहीं रहा है। तो देखिए, एक तो आप लोगों की ये शिकायतें रहती हैं और दूसरा आप सिर्फ पसंद भी वही वीडियो करते हैं। यार देखिए, आप हर कोई एक को चांस देना चाहिए आपको एंड मैं भी यही चाहता हूँ कि यार देखिए मेरे सभी वीडियोज़ को उतना ही प्यार मिले जितना आप मेरी क्विड की और या मेरी बाइक के वीडियोज़ को भी प्यार देते हैं, ताकि मुझे भी और लगे अच्छा कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो मेहनत का फल मिल ही रहा है। देखिए, मैं मेरा मकसद यही रहा है कि मैं मेरे चैनल पे मैं सभी को हर तरह से एंटरटेन करूँ, तो वो चाहे कार कैटेगरी में हो, चाहे बाइक कैटेगरी में, चाहे इस तरह की वॉच सन ग्लासेज रिव्यूज कैटेगरी में हो, किसी भी की तरह की कैटेगरी में हो, ट्रैवलिंग कैटेगरी में हो, तो मैं आप लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ और मैं करता रहूंगा। बेशक आप लोगों की तरफ से प्यार मिले या क्रिटिसाइज मिले, कुछ भी मिले, मैं आई विल ट्राई फॉर दिस। आज के लिए बस इतना ही। आपको पता ही क्या करना है, जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल बटन उसे दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की जो भी अपडेशन है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। और इसी तरह जो मेरा रूल है, जो मेरा मोटो है, वो याद रखिए कि लिव योर लाइफ विद योर स्टाइल एंड विद योर एटीट्यूड। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।